सावन के पावन महीने का आगाज हो चुका है। शिव भक्तों ने कावड़ यात्रा शुरू कर दी है। पूरा विश्व हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। क्या आप जानते हैं, सावन में एक खास मंत्र का जाप करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण से मन चाहा वरदान मिलता है, या कहें कि सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस खास मंत्र के बारे में हमें जानकारी दी है हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने। ये खास मंत्र है शिव महिम्न स्तोत्र। महिम्ना पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिर अथा वाच्य सर्व स्वमति परिणामवधिगृह्णन् ममापि स स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर। इस प्रकार से जो शिव महिम्न स्तोत्र है, ये शिव महिम्न का पहला जो श्लोक है वो हमने उच्चारण किया, और ये प्रथम श्लोक के अतिरिक्त इसमें जो कुल संख्या है 43 जो हमारे श्लोक हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। शिव महिम्न स्त्रोत्र मंत्र का उच्चारण, या कहें कि इस मंत्र का जाप करना क्यों जरूरी है, या इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं, पंडित जी से हमने इस बारे में भी जानकारी ली। कैसे शिव महिम्न स्तोत्र का जाप फलदायी है, पंडित जी इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो श्रावण मास है, जो भोले शंकर को ही ये महीना समर्पित है, इस महीने में यदि हम शिव महिम्न का पाठ तीनों समय करते हैं तो कई गुना इसकी फल की प्राप्ति होती है। जो संपूर्ण जो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करता है, सुनता है, इसका स्मरण करता है, उच्चारण करता है, श्रावण मास में हरिद्वार के अंदर भोलेनाथ के सिद्धपीठ मंदिर में अथवा कहीं भी हम हरिद्वार में रहते हुए श्रावण मास में करते हैं, इसका विशेष महत्व है। पंडित जी से खास बातचीत में उन्होंने लोकल 18 को बताया कि इस मंत्र का जाप सूर्योदय, दोपहर या संध्या काल में भी किया जा सकता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि भगवान शिव के शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ तीर्थ नगरी हरिद्वार में सावन के महीने में किया जाए तो व्यक्ति को इसका कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। प्रातः, मध्याह्न और सायं, अर्थात तीनों समय में ही इस पाठ को हम कर सकते हैं। इसका हमें विशेष लाभ मिलता है और हमें अनेक प्रकार की के लाभ होते हैं। कल हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, विद्या प्राप्त होती है, और हमें इस स्तोत्र का कई गुना फल प्राप्त होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आपको बता दें कि सावन का महीना 19 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में आप हरिद्वार जाकर तीर्थ नगरी के दर्शन करते हैं तो भोलेनाथ के इस मंत्र का जाप जरूर करें। लोकल 18 के लिए हरिद्वार से ओम प्रयास की रिपोर्ट।